एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैं आ गई हूँ एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों, जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि ये किस चीज़ का ब्लॉग है, तो ब्लॉग में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो फाइनली मैं पूरी रेडी हो चुकी हूँ प्रॉपर। अब चलते हैं बर्थडे में, बिक्की दादा का बर्थडे। तो रेडी होने के बाद आप मिलो मेरी फ्रेंड से, ये है, इसका नाम है चिंकी। और यार, मैं जब भी रेडी होती हूँ ना, मुझे अपने इस कमज़ोरी से बहुत दिक्कत है, हड्डियाँ हड्डियाँ दिखती है। तो फिर हम लोग तैयार होके, मैं और भाभी और भैया, हम लोग निकल पड़े। और आप मौसम देख सकते हैं, कितना बढ़िया मौसम हो रहा है। वाह, रात को अगर आप बाहर निकलते हो ना, मतलब अलग ही लेवल वाली वो होती है, सुकून बहुत अच्छा लगता है। जब जैसे आप इवनिंग वॉक करते हो या खाना खाने के बाद वॉक भी करते हैं, बहुत अच्छा लगता है बाहर, क्योंकि इस टाइम पे ट्रैफिक भी कम होता है और मतलब लोग कम होते हैं। फिर हम तीनों निकल पड़े। और रास्ते में मैं वीडियोस बना रही थी, भैया हमें कह रहे थे कि तुम ना दोनों गिरोगे पीछे से, और कुछ नहीं है तुम्हारा काम। फिर यहाँ पर तो गिफ्ट की शॉप थी नहीं, ज़्यादातर यहाँ पर कोई शॉप्स वगैरह वैसी छोटी मोटी जो शॉप होती है वही थी, गिफ्ट्स की कोई थी नहीं। फिर भी हमने जाके देखा थोड़ा बहुत, फिर भैया को एक शॉप मिली, फिर हम वहाँ पे देखने लग गए। लेकिन वहाँ पे सारी चीज़ें, किचन का सामान, ये ऐसे ही था, मतलब जैसे फैमिली के लिए होता है, और वो लोग स्टूडेंट है। तो हमने सोचा यार क्या लेके जाएँ, कुछ खास सा हमें दिखा नहीं। फिर हमने सोचा यार कुछ और चीज़ें देखी हमने, फिर हमें एक गिफ्ट लगा कि ठीक है, और फिर हमने वो पैक करवा लिया। पैक करने के लिए हमें दूसरे शॉप पे जाना पड़ा, फिर हमने वहाँ पे पैक करवाया। और साथ में कुछ और चीज़ें भी हम देख रहे थे, लेकिन हमें कोई कुछ और चीज़ बेस्ट मिली नहीं, तो हमने सोचा यार यही बेस्ट रहेगा। और ये गिफ्ट को जो पैक करता है ना, ये ना मैं बचपन से ही सीख रही हूँ कि गिफ्ट को कैसे पैक किया जाता है ना, क्योंकि मेरे पे भी काफ़ी सारी चीज़ें रहती है गिफ्ट रैप करने के लिए, लेकिन मुझे आज तक ये नहीं आ पाया। मैंने सीखा बचपन में भी, मैं रोज़ देखती थी जब मैं कभी किसी को गिफ्ट लेने जाती थी, मैंने कहा मैं भी नेक्स्ट टाइम ऐसी करूँगी, लेकिन नहीं हो पाता है खुद से। फिर मैं और भाभी भैया हम तीनों वेट कर रहे थे गिफ्ट का कि कब रेडी होता है। फिर रेडी हो गया था, फिर इस पर हमने नाम लिखा और कुछ इसमें जो करते हैं, इसमें सजावट करी आंटी ने। और आंटी ने कहा फूल लगा दो, मैंने कहा लगा दो आंटी जी, जितना प्यारा हो सकता है। तो बहुत अच्छा लगता है जब इसको सजा के पूरा तैयार करते हैं। तो फाइनली ये है बर्थडे बॉय का रूम, हम लोग पहुंच गए थे। सबसे पहले हमने चाय पी, और चाय पीते ही मैंने देखा केक, तो केक बहुत ही सुंदर था, बहुत सुंदर। और ये है हमारे बर्थडे बॉय बिक्की दादा, और ये है यहाँ पे जनता बैठी हुई, ठीक है। तो जनता बहुत कम थी क्योंकि स्टूडेंट है वो भी, और उनके रूम पे हम लोग आस पड़ोस में जो थे अमीर लोग जा रखे थे। और बिक्की दादा बिल्कुल बहुत बढ़िया हैंडसम होके तैयार हो रखे थे बिल्कुल। फिर हमने इनका फ़ोटोशूट किया, कुछ थोड़ी बहुत वीडियोस बनाई। फिर हमने केक कटिंग की तैयारी, मैंने कहा यार काफ़ी टाइम हो गया, अब केक कट कर लेते, क्योंकि सभी को घर भी जाना होता है। तो ये है बिक्की दादा, और इतने प्यारे लग रहे थे भाई, हैंडसम तो है ही, लेकिन तैयार हो गए तो और भी हैंडसम दिखते हैं भाई। और फिर हमने केक कटिंग करी। फिर केक कट करने के बाद हमने कुछ फ़ोटोग्राफ्स ली सबकी, और एक फ़ोटोग्राफ्स होती है एक छोटी छोटी यादें होती जो कैप्चर करके रखनी चाहिए।
कटिंग के बाद फ़ोटोग्राफ्स लेने के बाद हम बैठ गए। सबसे पहले हमने पेट पूजा करी, कोल्ड ड्रिंक और केक्स वगैरह खाए हमने, और क्योंकि हमें काफ़ी भूख भी लग रही थी तो हमने बोला यार सबसे पहले पेट पूजा की जाए। और ये बैठे हुए हैं सब दर्शक लोग जनता, और ये मिली मुझे टॉफ़ी जो कि गुब्बारे के अंदर होती है, ठीक है। और इस बचपन में ना उस गुब्बारे को फोड़ने के लिए इतना वो करते थे ना, लड़ाई करते थे सारे बच्चे। और उसके बाद हम लोगों ने बनाया फिर खाना, और ये है रुई भांजी मेरी, और ये तो हमें कुछ काम करने ही नहीं दे रही थी कि मौसी नहीं आप मत करो आप मत करो, बट हमने कहा यार हम कर देते हैं, तुम तो स्टूडेंट हो रोज़ ही करना है, आज हम कर देते हैं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं मौसी मैं कर लूँगी, बट थोड़ी बहुत हेल्प हमने करवाई। और खाना तो रोई ने और तो बना ही दिया था सारी चीज़ें, बस थोड़ा सा लास्ट में रह गया था कुछ बनाने के लिए। और हम किचन में, मैं हर रोई कैसे लग रही है बेटी और मौसी की जोड़ी, और मैं बस ये घुमाते हुए थोड़ा सा कि हाँ लगे कि मैं खाना बना रही हूँ, अदरवाइज़ मैंने कुछ नहीं किया। इसके बाद ये बैठे हुए, इन्होंने खाया खाना, हमने कहा सबसे पहले तुम लोग खा लो फिर लास्ट में हम खाते हैं, और हम तब तक रोटी वगैरह बना रहे थे। रोटी बनाने के बाद फिर हम लोगों ने फटाफट अपना काम निपटाया, और फिर थोड़ी देर मतलब खाना खाया हमने भी उसके बाद, और फिर थोड़ी देर हम भी बैठे रहे बातें करी। बहुत टाइम बाद अच्छा लगता है जब अपनों के साथ बैठते हैं, समय व्यतीत करते हैं अपने लोगों के साथ, रिलेटिव्स होते हैं, है ना। वैसे तो टाइम नहीं लगता है, सबकी बहुत बिजी शेड्यूल है सबका, बट अच्छा लगता है कभी कभी। जैसे ऐसे छोटे छोटे सेलिब्रेशन होते हैं, ठीक है, ऐसे मौके पे जाना चाहिए ताकि अपनों से मुलाकात हो, है ना। फिर उसके बाद हम बैठे हुए थे, और फिर एक भैया है, उन्होंने कहा यार पिज्ज़ा मंगवाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे साथ स्कैम हो गया, और वो पिज्ज़ा ना उल्टा हो गया, पूरा गिर गया वो, बट फिर भी थोड़ा बहुत बचा हुआ था तो हम लोगों ने खा लिया। और ये है रूही की फ्रेंड जो कि उनके साथ रहती हैं, और इस तरीके से हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया। तो एक छोटा सा मोमेंट और बहुत सारी यादें, और लास्ट में फिर हमने बोला यार कोल्ड ड्रिंक वगैरह बची थी बिकने का सारी ख़त्म करो अब। तो दोस्तों ब्लॉग को यही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।